हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये थालपोश का डिज़ाइन लेके आए हैं। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमने ये पफ स्टिच में बनाया हुआ है, बीच बीच में हमने मोती लगाया हुआ है। पूरा पूरा हमने लाइन से ये 10 मोती लगाए हुए हैं, 10 मोती लगाया है, पूरा 7 लाइन लगाए हैं, यानी 70 मोती पूरा पूरा लगा है इसमें। उलन मेरा 4 प्लाई का है जिससे हमने बनाया हुआ है, और क्रोशिया मेरा यहाँ पे 5 नंबर का है, क्रोशिया 1.1 mm का है जिससे हम मोती भी लगाए हैं और ये बनाए भी हैं पफ। आप लोग चाहे तो दूसरा दूसरा क्रोशिया यूज कर सकते हैं। हमने ये 2 रंगों में बनाया हुआ है। इसे बनाने में हमारा 100 ग्राम से ऊपर उलन लगा हुआ है। तो डिजाइन कैसा है जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम इसे नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे। फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे और हम ऐसे डबल क्रोशे बनाएंगे। तो एक चेन के 2 हो गया, 3 4 5 हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने राउंड में पूरा इसमें 14 डबल क्रोशिया यानी 14 डबल क्रोशिया बना लिया है। फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद से 1 2 3 फिर से 3 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, सेम जगह पे ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। देखिए 1 1 2 हो गया, एक चेन एक ये। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाले में फिर हम एक पास ऐसे एक और एक बनाएंगे, 2 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए फिर फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में सेम ऐसे ही एक और एक बना लेंगे, 2 डबल क्रोशे। देखिए तो ये हम नीचे 14 बनाए हैं, ऊपर 28 बनेगा, 2 2 सबके ऊपर बनेगा। बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पूरे पे हमने 2 2 डबल क्रोशे बना लिया। अब फर्स्ट वन में लेके हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसे हम बांध के कट करके निकाल लेंगे। देखिए और इसे बांध के बैक साइड लगा लेंगे हम। ऐसे अब इसके बाद से अब दूसरा कलर लगाएंगे हम यहाँ से। तो कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे बांध के। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे, यहाँ पर बना लिए, यहाँ पे छोड़ेंगे, इसके बाद बनाएंगे ये दोनों डबल क्रोशे के बगल में यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर हम 3 चेन किए डबल क्रोशे के लिए, 2 चेन एक्स्ट्रा किए। अब यहाँ डबल क्रोशे बना लिए। अब उसके बाद से अब यहाँ पर हम मोती लगाएंगे, धागे को थोड़ा सा खींचेंगे। आप चाहें तो धागे में ही लगा के बना सकते हैं आप लोग। हम यहाँ पर ऐसे क्रोशिया को में ऐसे मोती लेंगे और ये धागे को ऐसे खींच के थोड़ा सा टाइट रखेंगे और उसके बाद इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए अब धागे को थोड़ा खींच लेंगे, फिर इसे ऐसे बांध लेंगे, फंदे लेंगे जैसे, फिर यहाँ पर बनाएं, फिर यहाँ पर छोड़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे, एक स्किप करेंगे उसके बाद बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे एक जगह स्किप करेंगे ऐसे। देखिए फिर यहाँ पर 1 2 2 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे, फिर यहाँ बना लिए, फिर यहाँ नहीं बनाएंगे, इसके बाद वाले पे बनाएंगे हम ऐसे। देखिए फिर थोड़े से धागे को ऐसे खींचेंगे और इसके बाद फिर से मोती लगाएंगे, क्रोशिया में मोती को लगा लेंगे और उसके बाद इस धागे को हम टाइट ऐसे लेके इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए फिर धागे को थोड़ा सा खींच के यहाँ पर बांध लेंगे, फंदे लेंगे, फिर यहाँ बना लिए, फिर यहाँ स्किप करेंगे, उसके बाद बनाएंगे ये दोनों के बगल में ऐसे। यहाँ पर फिर हम डबल क्रोशिया एक बना लेंगे। देखिए फिर 2 चेन करेंगे और फिर यहाँ पे हम बना लिए, फिर यहाँ छोड़ के इसके बगल में यहाँ पर बनाएंगे हम फिर यहाँ धागे खींच के फिर मोती लगाएंगे। देखिए
एक जगह हम चेन करें, एक जगह मोती, एक जगह चेन, एक जगह मोती, ऐसे बना रहे हैं। और जहाँ मोती लगा रहे हैं वहाँ पे चेन नहीं करना है हमें, इसमें दो चेन करना है। देखिए दो चेन यहाँ पे किए हैं, यहाँ पर तो फाइव बनाए हैं, तो थ्री डबल क्रोशे के लिए टू चेन एक्स्ट्रा। एक जगह मोती लगाए, फिर यहाँ टू चेन किए हैं, फिर यहाँ मोती लगाए, फिर टू चेन, फिर यहाँ मोती लगाएंगे। और ये बीच में देखिए एक जगह बना रहे हैं, एक जगह स्किप कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया, एक जगह दो चेन, एक जगह मोती, ऐसे बनाया हुआ है पूरा पूरा। कंप्लीट होने के बाद एक दो तीसरे वाले पे लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद से हम सेम जैसे नीचे बनाए फाइव चेन का, वैसे यहाँ पर भी हमें फाइव चेन कर लेना है। एक दो तीन चार पाँच, फिर थ्री चेन डबल क्रोशे के लिए टू चेन एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर जो ये चेन है इसमें हमें पफ बनाना है। फंदे लेंगे, इसमें ऐसे एक दो तीन चार पाँच, फाइव टाइम ढाई खींचना है, इसके नीचे से निकाल के बाहर लेंगे। फिर यहाँ पर टू चेन कर लेंगे। देखिए इधर थ्री चेन हुआ डबल क्रोशे के लिए, टू चेन एक्स्ट्रा हुआ, वैसे ही टू चेन इधर भी करना है हमें। फंदे लेंगे, ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें ऐसे डबल क्रोशिया बना लेना है पूरा पूरा। देखिए थोड़ा सा धागे को खींचेंगे और फिर यहाँ पर हम मोती लगा लेंगे ऐसे। फिर ऐसे क्रोशिया को टाइट रख के धागे को खींच के इसके नीचे से हमें फिर ये निकाल लेना है धागे को। अब इसे बांध लेंगे धागे खींच के, फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए मोती के सामने मोती लगाना है हमें, और जो चेन वाला है वहाँ पे पफ बनाना है। तो पहले आप दो चेन कर लेंगे, दो चेन करके यहाँ पर पफ बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, फिर दो चेन कर लेंगे हम, टू चेन करके फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे हम। देखिए फिर थोड़ा सा धागे को खींचेंगे हम यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर मोती लगा लेंगे हम ऐसे। फिर धागे को थोड़ा खींच के ये बांध लेंगे, फिर मोती के सामने मोती हो जाएगा। डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है, और फिर दो चेन करेंगे, फिर यहाँ पफ बनाएंगे, फिर दो चेन करके इसके ऊपर फिर डबल क्रोशिया, फिर मोती के सामने आएंगे, फिर मोती एक लगा लेंगे, और जो दो दो चेन का है उसमें पफ बनाएंगे, और दोनों साइड दो दो चेन रहेगा ऐसे। तो बनाते हुए पहले कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये पफ वाला भी लाइन बना कंप्लीट किया। अब यहाँ पर फिर पहले वाले में एक दो तीन तीसरे वाले पे लेके हम ज्वाइंट कर देंगे। इधर दो चेन छोड़ देंगे हम, यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे सेम। फिर यहाँ पर भी एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन करेंगे, फंदे लेंगे, और जो ये दो चेन बचा है इसमें अब हमें पॉप बनाना है ऐसे। एक दो तीन चार पाँच, फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक दो दो चेन कर लेंगे। फिर इस साइड देखिए ये पॉप के दूसरे साइड जो बचा है ये चेन है, इसमें अब बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच ऐसे। देखिए यहाँ पफ बना के पहले में यहाँ दो चेन हुआ, तीन डबल क्रोशे के लिए टू चेन एक्स्ट्रा, और फिर यहाँ बीच में भी दो चेन, अब यहाँ पर दो चेन कर लेंगे, और ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना लेंगे हम। देखिए अब उसके बाद थोड़ा सा धागे को खींचेंगे हम, और यहाँ पर हम मोती लगा लेंगे थोड़ा सा ऐसे, इसके नीचे से फंदे लेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, मोती के सामने मोती लगाना है हमें, फिर दो चेन करेंगे, और जो ये चेन है इसमें अब फिर बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ से ऐसे देखिए, फिर दो चेन, फंदे लेंगे, फिर ये दो चेन है इसमें फिर पफ बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर दो चेन, और फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर थोड़ा सा धागे को खींच के मोती लगाएंगे, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर दो चेन करेंगे, फिर यहाँ पफ बनाएंगे, फिर दो चेन करेंगे, इधर पफ के दोनों साइड हमें पफ बनाना है, और हर एक पफ के बगल में हमें दो चेन करना है। तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया।
फिर एक दो तीन, तीसरे वाले पे हम चेन पे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर सेम चीज़ें हमें बनाना है, एक दो तीन चार पाँच, पहले लाइन में फिर से फाइव बनाएंगे। जितना हम बनाएंगे आगे की तरफ सब में हम फाइव बनाएंगे चेन। थ्री चेन डबल क्रोशे के लिए, टू चेन एक्स्ट्रा, और ये टू चेन जो बच रहा है इसमें फिर पफ बनाएंगे हम, एक दो तीन चार पाँच। फिर इसके नीचे से निकाल लेंगे, बांध लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक दो टू चेन, पफ के बगल में हमें टू चेन करना है। जितना पफ बनाएंगे उसके बगल में हमें टू चेन करना है। फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। फिर इसके नीचे से निकालेंगे, बांधेंगे, देखिए। फिर इसके बाद से टू चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर ये टू चेन का है, इसमें फिर पफ बनाएंगे, देखिए, एक दो तीन चार पाँच। फिर इसके नीचे से निकालेंगे, बांधेंगे और फिर से टू चेन करेंगे, देखिए। हर एक पफ के बगल में टू चेन कर रहे हैं हम, ऐसे फंदे लेंगे। फिर ये डबल क्रोशे के ऊपर हमें डबल क्रोशे बना लेना है, और फिर धागे को खींच के मोती के सामने फिर मोती लगा लेना है हमें। फिर जो डबल क्रोशिया है उसके सामने डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर टू चेन करेंगे। और फिर ये दो चेन का है, इसमें फिर पॉप बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। फिर इसके नीचे से निकाल के बांध लेंगे, फिर टू चेन करेंगे, फिर यहाँ पफ बनाएंगे, फिर टू चेन करेंगे, फिर पफ बनाएंगे, टू चेन करके डबल क्रोशिया, फिर मोती के सामने मोती, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर टू चेन कर करके ऐसे पफ बनाएंगे। फिर आएंगे कंप्लीट करेंगे, फिर पहले वाले में फाइव चेन करेंगे और फिर यहाँ से फिर बनाएंगे पफ हम, तो एक दो तीन बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर एक पफ, दो पफ, तीन पफ हुआ, ऐसे चार पाँच, ऐसे बढ़ते हुए अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहे हम लोग बना सकते हैं। मोती के सामने मोती लगाएंगे और बाकी ये डबल क्रोशिया बनेगा, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा। तो हम और बनाते हैं, फिर आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया और फर्स्ट वन में लेके जॉइंट करके कट कर लिए हैं पूरा। हमने यहाँ पर पफ देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नाइन लाइन में पफ बनाए हुए हैं इसमें। और ये मोती हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यहाँ पर टेन लाइन हमने मोती लगाया हुआ है। तो हमने ऐसे कंप्लीट किया। अब इसके बाद से अब ये कलर लेंगे, कहीं से भी बनाना है स्टार्ट करेंगे। जो चेन है इसमें बनाना है हमें ऐसे बांध के, एक दो तीन, थ्री चेन, फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और एक ये दो हो गया, तीन चार, चार डबल क्रोशे हमने यहाँ पर बना लिए, फंदे लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला चेन है इसमें फिर बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर इसमें भी चार बना लेंगे, फंदे लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला ये चेन है, इसमें भी हम चार बनाएंगे, एक दो तीन चार, फोर फोर हमें पूरे में बनाना है ऐसे, देखिए। अब यहाँ तक बना लिए, ये बीच में देखिए मोती है, फंदे लेंगे, मोती के बगल वाला जो है ये चेन यहाँ पर अब बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर एक दो तीन चार, फिर फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक दो तीन चार, फिर से चार यहाँ पर भी हम बना लेंगे डबल क्रोशिया, फोर फोर डबल क्रोशिया पूरे में बनाना है, जितना चेन है सब में, देखिए। तो ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए हमने ऐसे बना कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम फिर फर्स्ट वन में लेके जॉइंट करेंगे और यहाँ से हम फिर चेन स्टिच बनाएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन करेंगे और जो ये फोर छोड़ हैं इसके बाद यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर ये फोर छोड़ के यहाँ पे
फिर एक दो तीन चार पाँच, 5 चेन, फिर ये 4 छोड़ के यहाँ पे। तो ये 4 4 जितना बनाए हैं डबल क्रोशिया छोड़ छोड़ के और 5 चेन करके, 3 4 5 5 चेन करेंगे और ये 4 4 छोड़ के ऐसे ज्वाइंट करते हुए हम पूरे राउंड बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने पूरे में ऐसे बना कंप्लीट किया, 5 चेन कर लिए हैं, फर्स्ट उनमें लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पर जो पहला चेन बनाया है इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे और ऐसे फ्लैट स्टिच बनाते हुए इसके मिडिल में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन। अब हम यहाँ पर धागे को खींच के यहाँ पर पफ बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 इसके नीचे से निकाल के बांध लेंगे चेन को क्रोशे पर रख के ऐसे, 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर नेक्स्ट, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन धागे को खींचेंगे और फिर हम बनाएंगे, 1 1 2 3 4 ऐसे 5। फिर इसके नीचे से निकाल के ऐसे बांध लेंगे, फिर चेन को क्रोशे पर लेके फिर से बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर नेक्स्ट वाला चेन है इसमें, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर पफ बनाएंगे। तो जितना चेन बनाया है सब में हम ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना के तैयार कर लिया, डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ये डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।